आज फिर पापा इतने सारे फ्रूट लेकर आते हैं ना, एक साथ ही लेकर आएंगे। और ये केले ना इतने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, मतलब बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरे बहुत। फिर केले, पपीता, अनानास, आज अनानास का जूस पियेंगे। अभी आम तो ये दो तीन दिन गए ना, दो ही बचे हैं, खत्म हो गए, बाकी सारा सब खत्म हो गया। तो अब इनको लगा के रख देते हैं। केले तो हमारे घर में खराब होते रहते हैं, फिर भी लाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। ये वाला खरबूजा मीठा होगा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वो मीठा होता है। तो घूमने निकल पड़े हैं। आप ये कौन सी गाड़ी ले ली? कौन सी गाड़ी ले ली अभी ये बताओ? ये घर के लिए ली है? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी सारी गाड़ियों का हम करेंगे क्या? ऑलरेडी हमारे पास दो हैं और चलाने वाला बंदा एक ही है घर में। भाई या तो ये हो कि घर में ना लोग हो चलाने वाले, जैसे ध्रुव भी चलाता हुआ होता, मेरे को भी ड्राइविंग आती, बड़े गड्ढे हैं, ध्रुव को भी ड्राइविंग आती, तब तो कुछ है भी कि इतनी सारी गाड़ियां घर में होनी चाहिए। बट जब चलानी ही नहीं आती किसी को भी, तो फिर फायदा क्या है इतनी गाड़ी लेने का? हमें तो जहाँ जाना होता है हम तो इनको लेकर चले जाते हैं अपने साथ। तो अभी भी हम लोग घूमने के लिए आए हैं, जो इन्होंने गाड़ी ली है उसको तो इसको सेल कर देंगे, है ना? सही है, चलो बढ़िया। और गन्ने का जूस पीऊंगी मैं, पिला दूंगी क्या? गन्ने का जूस पियेंगे, शुगर कैन जूस पियेंगे आज हम लोग। और मैं अभी पार्लर में ही थी, और मैं पार्लर से ही आ गई क्योंकि बाहर हम लोग बैठे थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि चलिए हम घूम के आते हैं कहीं, तो हम लोग घूमने के लिए आ गए। और आज हम अभी ना कोको को लेकर नहीं आए, उसको हम दूसरे तीसरे दिन घुमा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा गाड़ी गाड़ी की आदत डाल रहे हैं, बट उसको आज हम लेकर नहीं आए थे, उसको हम लेकर आएंगे कल वल को, है ना? क्योंकि अभी दो दिन हो गए शायद हम उसको लेकर नहीं आए अभी तक, है तो उसको भी लेकर आया करेंगे अब, ताकि वो उसे भी गाड़ी की आदत पड़े आगे को, वो हमारे साथ घूमने के लिए जाएगा इधर उधर, तो थोड़ा सा उसको भी आदत होनी चाहिए ना। और फिर अब हम लोग पीते हैं जूस, थोड़ा सा मार्केट में घूम के आते हैं, कोई कुछ सामान वामान खरीदना होगा तो देखते हैं, नहीं खरीदना होगा तो ओनली फॉर ऐसे घूमने के लिए निकली हूँ मैं। थोड़ा सा ना रोड पे घूमते हैं ना तो अच्छा लगता है देख के, है ना पापा? मूड फ्रेश हो जाता है, पूरे दिन पार्लर घर में ही रह रहे के ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो सोचते हैं थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा सा देख कर आए, घूम कर आए। पापा की ड्राइविंग करवाएं पापा से, थोड़ी सी देर बिजी रखें, इनको पता रहना चाहिए कि इनके बीवी बच्चे भी हैं, ये भी ये खुद अपने में मस्त रहते हैं पूरे दिन। गन्ने का जूस पिला रहे हो? गन्ने का जूस हाँ अच्छा है, अभी पीते हैं। पी तो लो पहले, अभी तो बताओ। हाँ पियेंगे, नहीं अच्छा तो होता है। इसमें कौन सा, कोई ये लोग कुछ मिलाते हैं? मिलाते हैं क्या? तुम्हें अगर वीडियो बनाने के लिए दिया जाए ना, तुमसे वीडियो बनानी ही नहीं आती। देखना जरा, मैं सही आ रही हूँ? देखो देखो, कोलू 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 दिखाओ, कोलू है, कोलू ये जूस बना रहे हैं। देखो ये कोलू है और ये भी कोलू है जो इसे इनको चूसता रहता है। कोलू नहीं, ये बेलन है। अच्छा बेलन, कोलू का बेलन, कोलू का बैल, कोलू का बेलन, बेलन जो बेलन चलते हैं जिसमें गन्ना का रस आता है, जिसमें गन्ना तुम नहीं, गन्ने का रस आता है। चीयर्स। मेरा गिलास सही से पकड़ लेना। देखो इसमें नींबू और क्या है, पुदीना ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो टेस्ट बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग छोटा वाला ग्लास लेते हैं हमेशा, है ना, बड़ा क्योंकि हम लोगों से पिया ही नहीं जाता है। मैं इनका म्यूजिक ना बार बार बंद कराया जाने, इतना टेस्टी गन्ने का जूस था ना, गर्मियों में मिलता है, उसके बाद तो मिलेगा भी नहीं, है ना, बढ़िया लग रहा था ना। उसमें नींबू कितना सारा डाला ना उन्होंने अंकल ने, वो पता नींबू इतना महंगा हो रहा है फिर भी ये लोग ना बहुत अच्छे से नींबू डाल के दे रहे हैं, और उसमें ना वो डाला था पुदीना, है ना, बहुत ही फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। और अब बस हम थोड़ी देर घूम घाम के फिर घर जा रहे हैं, फिर से अपना काम करेंगे पार्लर, पार्लर से फिर रात हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर और बच्चों के साथ करेंगे इंजॉय। आज मैं पता पूरे दिन बच्चों के पास नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह ही आ गई थी। आज मैं किस टाइम आई थी, मेरा ब्रेकफास्ट भी आज मैंने जो है वो पार्लर में ही किया था, मुश्किल से थोड़ी देर के लिए शायद गई थी ऊपर, फिर उसके बाद फिर से वापस आ गई थी।
ये देखो ये कोको कोको को कितना परेशान करता है ये ध्रुव, ये देखो और गर्मी की वजह से ना मैंने इसको बिल्कुल यहाँ से खाली कर दिया है, बिल्कुल इसके बाल यहाँ के ना हटा दिए गर्मी की वजह से, और इसके ऊपर ऊपर बाल हैं। कोको मड़ाई ले लो। कोको कोको इधर देखो, तुम्हें भैया परेशान कर रहा है, तुम्हें भैया परेशान कर रहा है, इसके बेचारे के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग, और ये बेचारा सीधा साधा। ध्रुव छोड़ दे, रहने दे, देखो 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 बच्चा इतना सीधा भोला बच्चा है ना ये, बस पूछो मत, ऐसे ही बच्चा सही। तो देखो इस तरीके से ना मैंने इसके बाल बिल्कुल क्लीन कर दिए यहाँ से सारा, बिल्कुल सीना वीना सब, ताकि इसको गर्मी ना लगे, और अगर मुझे नीड लगी ना कि ये अभी क्या कहते हैं इसको और भी गर्मी लगती है, तो मैं इसके सारे बाल हटा दूंगी, बिल्कुल ग्रूम कर दूंगी खुशी ध्रुवी से, है ना, मैं इसको परेशान नहीं होने दूंगी। लेकिन ये किसी को काटता नहीं, किसी को कुछ कहता नहीं, तो इसका सब फायदा उठाते रहते हैं बेचारे का। हाँ मेरा भोला बच्चा, हाँ मेरा भोला बच्चा, हाँ हाँ इसको बाहर ले जाओ, जाओ थोड़ी देर, क्या करा इसने, कर दिया सही, जबरदस्ती लेके जा रहा था ना मेरे बच्चे को, हाँ जबरदस्ती लेके जा रहा था ना, उसको मम्मा के पास लेटना है। हाँ तुमने भैया के साथ क्या कर दिया कोको, और भैया गुस्सा कर गया, देख रहा है उसे कि मैंने कुछ कर दिया इसके साथ, और भैया अब गुस्सा कर रहा है, कुछ नहीं कराया, थोड़ा सा ऐसे ही कराया, जब परेशान करता है उसको उल्टे सीधे तरीके से उसको छूता, अरे 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 नहीं 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 कोको सू सू कोको काट ले, हाँ जरूर इसके सीधेपन का पूरा फायदा उठाते हैं सब लोग, और मैं बच्चे के सीधेपन का फायदा उठाते हैं, और मेरा बच्चा कुछ नहीं काटा है, फालतू के दिमाग खराब कर रहा है, अरे अरे ध्रुव मैं पढ़ाई कर दूंगी, तो बहुत बदतमीजी करता है इसके साथ। कोको क्या हुआ, कोको को बंद कर दिया, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ने देता ये, अरे कि ये इंसान बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ने देता, रो रहे हो क्या, दिखाइयो, ओए चौधरी वीडियो बन रही है तुम्हारी, चौधरी तेरा मैं क्या करूं, वीडियो बन रही है तुम्हारी, क्या कह रहे थे अभी, क्या कह रहे थे बताना जरा, क्या कह रहे थे, बना रखी है जिंदगी को, ओ, आप लोगों ने सुना गाइस, मेरे जैसी बीवी पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, तरस, और ये आदमी कह रहा है नरक बना रखी है मेरी जिंदगी, ये मैं डालूंगी वीडियो में, डाल दो मेरे पर, हाँ देखो मैं डालूंगी इसे वीडियो सब में, दुनिया को पता, हाँ सब दुनिया सकल देखिए ये कौन सी दुनिया में क्या क्या कितना फिर रहा, क्या क्या कितना फिर रहा सारी दुनिया में, सब दुनिया को पता है तुम्हारी वजह से, हो ऐसे पतियों को ना इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि बस पापी कहीं के नहीं, मैं इस आदमी को पापा कहती हूँ, हैं अपने बाप की दर्जा दे रखा मैंने इस आदमी को, और देखो जरा नरक बना दी, नरक, हाँ तभी तो एसीओ के मजे ले रहे हो, मजे कौन ले रहा अच्छा? तुम ले रही हो, मैं तो आके अभी लेटा हूँ, मैं धूप में फिरता रहूं, क्यों फिरते रहो, क्यों फिरते रहो, लो मजे, तुम्हें पंखे भी चाहिए, एसी भी चाहिए 24 घंटे, तो गर्मी हो रही तो चाहिए नहीं, उल्टे ही शब्द निकलेंगे उसके बाद मुंह में से, तुम्हारे हो ना, तुम्हारे तो तुम्हारे किसे कौन ठाली है, इधर दिखाइयो मुझे, मैं ठाली हूँ तो, बिजी बिजी बीवियां कैसी होती हैं, मुझे क्या पता कैसी होती हैं, पूछो लोगों से कि बिजी होती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है आराम से सुबह से शाम तक, टाइम ही नहीं मिलता उन्हें, तो झाड़ू पोछा बर्तन करो, उठते ही झाड़ू लगाओ, उसके बाद पोछा लगाओ, उसके बाद चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब, तो तुम्हें नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो दिमाग में कोई वही नहीं रहेगा, गोबर भरा हुआ, ओ, और गोबर, गोबर भरा पड़ा है सुबह से शाम तक, जब एसी में ठंडक में पड़ी रहोगी, रात में पड़ी रहोगी,
क्या होगा? नहीं अच्छा ये बताओ तुम्हें ब्रेकफास्ट डिनर लंच मिल नहीं रहा क्या खाने के लिए? तुम दे रही हो क्या बना के? अरे कोई भी दे रहा है, मिल तो रहा है ना टाइम से, तो तुम दे रही हो? हाँ मैं दे रही हूँ जो बना रही है। उठा कर खाया जाता मुझे क्या दोगी फिर? कौन दे रहा है मुझे? नौकर चाकर लगे हुए हैं, और नौकर चाकर ना है तो वो बेचारे दो गऊ गरीब बच्चे हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं तुम्हारे? वो तो एक गिलास पानी भी ना लेते अपने अपना पीने के लिए भी। अरे वो खुद तो ना लेते, तुम्हें तो देते हैं। अच्छा तो अब बच्चे भी मुझे पानी वानी नहीं देंगे? लेके तलवार शुरू हो जाओगी उन पे ना देंगे तो? तो तुम उन्हें ये शिक्षा देना चाह रहे हो? डरा डरा के घर वालों को सबको डरा डरा के रख रखा। हो पॉपी, ये तू ना 3-4 साल का क्या कहते हैं पाप बटोल लिया। हाँ। आज आज में मुझ जैसी बीवी के लिए ऐसी बातें बोल के डरा डरा के रख रखा घर। हो गाइस ये लग रही है सकल डरने वाली, देखो जरा। कल बबली नहीं आई तो हाथ से चाय बना के पीनी पड़ी इस औरत ने। चाय बना इस के टाइम की सुबह की जब मैं सो रही थी, सो रही थी, सो रही थी। हाँ बैठ के मुझसे जो है और टॉयलेट करने से उल्टी। अच्छा तो फ्रेश होने नहीं जाऊंगी? अरे फ्रेश होने मेरे ऊपर जाओगी क्या? तो इतनी देर में तुमने चाय बना ली? अच्छा तुम पूरे दिन में एक कप चाय बना के भी नहीं पी सकते क्या? नहीं फ्रेश होने में सोफे पाई हो, थोड़ी देर बैठे पड़ी रहती है तो आप नहीं बना के पी लेता? मुझे तो ये वो था बन के चलो 15 साल में आई तो सही चाय बनाने, मुझे क्या पता पीने आई। तो मैं तो पीती नहीं हूँ सुबह को चाय, तो मैं बनाऊँ क्यों? बैड हैबिट होती है सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। मत लड़ाओ फालतू का, मेरा तुम दिमाग मत खाओ। आज मैं तुम्हारे मेरा दिमाग मत खाओ। देखो आज मैं तुम्हारे अंदर तक की निकाल रही हूँ, जो तुम कहते हो ना बाहर तक का कोई नहीं, जो तुम कहते हो ना आई लव यू पूजा, मेरी जान पूजा, मेरी पूजा, मेरी पूजा, सारी पूजा हो रही है। अरे आई लव यू कहता हूँ लेकिन जबरदस्ती का दिमाग खाओगी है। अबे चुप रह, देखो वो बैठा हुआ वहां से रो रहा क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ये लोग आपस में, तो वहां से कुंकू कुंकू कर जा रहा है। क्या हो गया कुको, क्या हो गया मेरे बच्चे को? पापा तो ऐसे ही करते रहते हैं बेटा, देख पापा को, पापा पापा को और कोई काम ही नहीं है, पागल हो गया 14 इस उम्र में। अच्छा ये सब डालूंगी मैं वीडियो में, बता रही हूँ। मेरी वीडियो मत बनाना, बता रही हूँ। क्यों ना बनाने की? इस घर के फैमिली मेंबर हो सबसे बड़े वाले, सबसे बुजुर्ग आदमी इस घर के सबसे बुजुर्ग इंसान हो तुम। चाय पिला भाई ने, इन्हें चाय ना मिलती बता मैं बेटा। चाय ना कर रहा हूं इनके पास, खुशी दुर्ग के पास नहीं, उनके पास नहीं भेजना ऐसा। चलो बैठो, इन्हें कहीं नाश्ता ब्रेकफास्ट चाय कुछ नहीं मिलती बता मैं। कल तो नहीं आई तो वहां जाके सोफे पे बैठ गई, मैं चाय बना के तक नहीं दे सकता। मैं फ्रेश होने नहीं जाऊं बबली, बता दे फ्रेश होने सोफे पे जाएगी। नहीं दुष्ट आदमी, गाली दे दूंगा बंद कर दे इसे। नहीं करूंगी नहीं करूंगी, दो गाली क्या दोगे हैं? हद दो गई बिल्कुल ही, मतलब तुमसे मेरी फ्रीडम बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। डालूंगी मैं ये वीडियो गाइस, इस आदमी की सच्चाई देखो तुम, ये है मेरे पति की सच्चाई, जो उनसे तुम्हें दिखते हैं ना बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। एक कप चाय के लिए इतना सुनाया जा रहा है मुझे, और जबकि हर चीज बिस्तर पे मिलती है। देखो ये है सैंडविच, खाने के अलावा दूसरा काम नहीं, तो वो आया क्या, क्या? बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं, तो काम क्या क्यों करेगा वो, और काम मैं क्यों करूंगी और वो क्यों काम करेगा? हमने अपने काम करने के लिए रख रखे हैं ना तुम जैसे लोग हमने अपना काम करने के लिए तुम जैसे लोग बहुत सारे रख रखे हैं, समझ भाई, तो हम क्यों करेंगे काम? क्यों कोको, तुम और हम काम करने के लिए नहीं बने है ना कोको, हम सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए बने हैं। डूब गया। चलिए तो ऐसी छोटी छोटी सी सच्चाइयाँ आपको देखने के लिए मिला करेंगी। अब मैं आप लोगों को ये दिखाया करूँगी जो हम लोगों के बीच ये चलता रहता है। आप लोग कहते हो ना बड़ा प्यार है, प्यार तो बहुत है, मगर ये घर घर की कहानी भी है हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ही प्यार है, जो सबके पति बकते रहते हैं ना बीवियों को, वो हमारा भी बकता है ना पापा।